तो दोस्तों फेक वीडियो को तो बहुत शेयर करते हो, बहुत ज्यादा वायरल कर देते हो, लेकिन आज मैं देखता हूँ इस रियल वीडियो को कौन शेयर करता है और कौन वायरल करता है। देखिए हमारे हाथ में एक ढक्कन में पेट्रोल है। एक वीडियो मैंने फेसबुक पर देखा है और इसके साथ ही मैं खास उस भाई के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसने की मुझे व्हाट्सएप पर वो वीडियो का लिंक दिया और उसने मुझसे सवाल किया, क्या सर ये बिल्कुल रियल चीज है जो बताया जा रहा है? यानी कि वीडियो कुछ तरीके से वायरल हो रहा फेसबुक पर कि बगैर कुछ खोले, बगैर इंजन बनाए बाइक का वाइट स्मोक को दूर कर देंगे, जो सेंसर के द्वारा धुआं दे रहा है उसको हम बंद कर देंगे बगैर इंजन खोले। कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है और काफी ज्यादा वो वीडियो वायरल भी हुआ। तो ऐसे वीडियो को लोग शेयर करते हैं और वायरल कर देते हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे और वायरल करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, पहली बार जब बाइक को स्टार्ट करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, तो सेंसर के द्वारा धुआं दिखाई देता है। ठीक है, सेंसर के द्वारा धुआं दिखाई देता है, उसके बाद कहता है कि इंजन का जो पिस्टन रिंग है वो खराब हो जाने की वजह से धुआं देता है और मैं बगैर पिस्टन रिंग लगाए, बगैर इंजन खोले बाइक का धुआं बंद कर दूंगा, जो पिस्टन रिंग का जो कमजोरी है वो दूर कर दूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं उस वीडियो में देखिए, ये कुछ तरीके से बताया जा रहा है कि 8 नंबर का आपको पाना लेना है। 8 नंबर का पाना लेके यहाँ पे कार्बोरेटर का जो ये बोल्ट देख रहे हैं, इस बोल्ट को खोल लेना है, ये दोनों साइड का बोल्ट खोलना है, इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे क्या करना है, एक ढक्कन पेट्रोल डालना है। कुछ तरीके से बताया जा रहा है, एक ढक्कन पेट्रोल डालिए यहाँ से हेड में और बाइक का धुआं बंद कर दीजिए, बगैर इंजन खोले, बगैर कुछ पार्ट्स लगाए, सिर्फ थोड़ा सा पेट्रोल डाल के। तो दोस्तों क्या ये रियल है, क्या ये फेक है, आइए आज हम जानते हैं विस्तार से। तो देखिए यहाँ पर हम ये सब कुछ भी नहीं करने वाले, बाकी हम सिर्फ बताने वाले हैं कि क्या ये सही है, क्या गलत है, आखिर हमारी बाइक धुआं क्यों मारती है और जब धुआं मारने लगे, इंजन सवाल कम होने लगे, सेंसर के द्वारा धुआं दिखाई देने लगे, तो ऐसे में कौन से पार्ट्स खराब होता है जो धुआं देने लगता है। तो देखिए यहाँ से कोई भी पेट्रोल या फिर कोई भी डीजल, कोई भी इंजन और अगर यहाँ से डालते हैं तो इससे धुआं बंद करने का कोई चांस नहीं है भाई। ठीक है, धुआं जो मारता है वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे हाथ में देखिए ये पिस्टन है, पिस्टन यहाँ पे सिलेंडर में लगता है, ये सिलेंडर में यहाँ पे पिस्टन लगता है और इसके साथ ही रिंग लगता है। उसका कहना है कि पेट्रोल डालने के बाद जो रिंग बैठ जाता है, जो चिपक जाता है पिस्टन में, वो रिंग क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा और उससे धुआं को रोक देगा। तो भाई आपको बता दें कि पिस्टन का रिंग जाम उस टाइम में होता है जब हमारी बाइक धुआं मारना शुरू करता है और शुरू होने के बाद जब काफी दिनों तक हम बाइक को चला देते हैं तो पिस्टन रिंग धीरे धीरे डस्ट आने की वजह से, यहाँ पर कचरा आने की वजह से, जला हुआ राख बनने की वजह से पिस्टन का रिंग जाम करता है और रिंग जब भी कटता है, घिसता है, तभी हमारी बाइक धुआं मारने लगती है, इंजन ऑयल घटने लगता है, सिलेंडर पिस्टन इंजन ऑयल को रोक नहीं सकता, हेड के द्वारा वो सेंसर के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, जब भी आपकी बाइक धुआं मारने लगे, व्हाइट स्मोक देने लगे या फिर इंजन सवाल कम होने लगे, बात एक ही है, वो होता है पिस्टन रिंग का कमजोरी। जब आपकी बाइक 30 से 40 हजार किलोमीटर चल जाती है, 50 हजार पार कर जाती है, ऐसे में रिंग कमजोर हो जाता है, ये रिंग कट जाता है और ये रिंग जब कट जाएगा ये ऑयल को रोक नहीं पाएगा और हेड तक ऑयल पहुंचाने के बाद सेंसर के द्वारा धुआं बन के वो निकाल देता है। तो ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है कि हम पेट्रोल डालेंगे ऊपर से तो ये पिस्टन रिंग मजबूत हो जाएगा या फिर जो घिसा हुआ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी ट्रिक नहीं है। तो ये कहा जाए तो ये बिल्कुल फेक वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपकी बाइक धुआं दे रही है, व्हाइट स्मोक दे रही है, इंजन ऑयल कम हो रहा है, तो ऐसे में ये सब काम करने से कोई फायदा नहीं, कोई इंजन ऑयल डाले या कोई पेट्रोल डालने से कुछ भी नहीं होगा। आपको इसके लिए मैकेनिक से संपर्क करना चाहिए, सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराना चाहिए, फिर सिलेंडर ब्लॉक को डायरेक्ट बदलवा देना चाहिए, जो ये रियल तरीका है दोस्तों। इसके बाद ही बाइक व्हाइट स्मोक को दूर करती है, इंजन ऑयल घटने से बचा देता है। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल भी आप लोग ना करें। जब भी हमारी बाइक धुआं मारने लगती है तो उसका कमजोरी होता है ये पिस्टन रिंग, ये पिस्टन रिंग जब घिस जाएगा, कट जाएगा, तभी हमारी बाइक धुआं मारने लगती है। और यहाँ पे अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो ये पेट्रोल डालने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रिंग ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि बताया कि प्लग खोलने के प्लग को साफ करना है और उसके साथ ही 2-3 किक मारना है, मतलब ऐसे 2-3 किक मारना है, 2-3 किक मारने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि रिंग मतलब सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने रियल तरीका बताया, बाकी जो मैकेनिक होगा, जो टू व्हीलर मैकेनिक होगा, जिसको जानकारी होगा, वो भी आपको यही चीज बताएगा। और ऐसे मतलब ब्लॉगर से यूट्यूबर से बचें जो फेक वीडियो बनाते हैं, उसको शेयर करने से कोई फायदा नहीं। शेयर इस वीडियो को कीजिए जो मैंने आपको अभी बताया, जो कि
जितना लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया उतना लोग तक अगर हमारी वीडियो पहुंच जाए तो वो सही जानकारी हासिल करेंगे। और एक चीज लास्ट में बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप पेट्रोल डालते हैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप पेट्रोल डाल देते हैं एक ढक्कन, तो इससे नुकसान भी है। इससे नुकसान कुछ तरीके से है कि डायरेक्ट इसके मतलब हेड के द्वारा, इसके पाइप के द्वारा हेड में पेट्रोल जाएगा, और इससे क्या होता है कि जो हेड में भल्व वाल्सील होता है, भल्व वाल्सील खराब हो सकता है, या फिर डायरेक्ट हेड में इतना सारा अगर पेट्रोल चला गया तो इससे प्लग भी शॉर्ट होने का खतरा है। इससे क्या होता है कि रिंग पिस्टन में भी दिक्कत आता है, तो हमें कभी भी इतना ज़्यादा पेट्रोल एक्स्ट्रा डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मोटरसाइकिल रिलेटेड रिपेयरिंग जैसी जानकारी हासिल करने के लिए। थैंक यू।